संचारी रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्य में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं नगर निगम के कर्मचारियों का सम्मान समारोह आयोजन नगर निगम के सभागार कक्ष में किया गया, जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि संचारी रोग पर नियंत्रण और रोकथाम करने में स्वास्थ्य विभाग के 6 अधिकारी एवं नगर निगम के 10 कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया, जिसमें सीएमओ सहित अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया तथा कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम की टीम दोनों ने मिलकर संचारी रोग में काम किया है। उन्होंने कहा कि सम्मान मिलने से उत्साह वर्धन होता है और अच्छे से अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है तथा सभी अधिकारी स्वास्थ्य सेवाओं में मिलजुल कर काम करें और आगामी संचारी जैसी बीमारी ना फैले, इस पर पूरी तरह से नियंत्रण लगाया जाए। सम्मानित होने वाले स्वास्थ्य विभाग की टीम में डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, एडिशनल सीएमओ डॉक्टर नंद कुमार, एसआईसी महिला अस्पताल डॉक्टर एन के श्रीवास्तव, के एन बर्नवाल, अमरनाथ जायसवाल, जिला मलेरिया अधिकारी अंगद सिंह को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, अभी 1 महीने बढ़ा करके माननीय मुख्य सचिव महोदय के आदेश से बढ़ाया गया था, उसमें भी हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के काफ़ी बेहतर काम किया, जिससे संचारी रोगों के नियंत्रण में इस पूरे शहर को काफ़ी सफलता मिली। उसमें नगर निगम का एवं स्वास्थ्य विभाग दोनों का जो योगदान रहा वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। मैं माननीय महापौर जी का धन्यवाद इसलिए भी ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी नेक पहल की है कि जो भी लोग इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिए, अपनी सहभागिता दिए, उनको सम्मानित करने का यह कार्यक्रम आपने आयोजित करवाया। सर, निश्चित रूप से आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं और नगर निगम परिवार के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि अपने उन लोगों को जो इस इतनी बड़ी लड़ाई में इतना अपना योगदान दिए, अपना सहयोग दिए, उनको सम्मानित करने का ये अवसर मिला है। तो आपके आदेश से, आपके अनुमोदन से हम लोग सबसे पहले आदरणीय मुख्य अतिथि जी से आग्रह करूँगा कि आप इनको पुष्प कलिका एवं साल ओढ़ा करके सम्मानित करने के लिए। सर और पास थोड़ा दें सर। सर श्री के एन बर्नवाल नगरी द्वारे बन चुका था संचारी रोगों के लिए था, लेकिन परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी जब से शपथ लिए, प्रदेश की बागडोर संभाले, तब से वो एक चिकित्सक की तरह से उन्होंने संचारी रोगों का उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया और उसमें साल भर में 3 बार जो है एक एक माह का संचारी रोग जो पखवार माह मनाया गया वो अपने आप में एक अद्वितीय था। ऐसा मॉडल कहीं पूरी दुनिया में नहीं था। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना थी कि हम 12 विभागों का समन्वय स्थापित करके
संचारी रोग का उन्मूलन करेंगे। गोरखपुर जहां पर JEES के लिए बदनाम था, जहां पर जो होता था प्रत्येक वर्ष इनकी संख्या हजारों में हुआ करती, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया। और इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि हमारे नगर आयुक्त महोदय ने उसे पूरी तरह से अंगीकृत किया। और हम लोग जहाँ कहीं भी सूचना देते थे कि सर यहाँ JEES का केस निकला है, यहाँ डेंगू का केस है, यहाँ मलेरिया का केस निकला है, तो तत्काल वहाँ पर जो है जो हमारे सर की नियंत्रण टीमें रहती थी वो पहुँच करके जो भी लार्वीसाइडल और फॉगिंग की व्यवस्था होती थी, साफ सफाई की व्यवस्था होती थी, पूरा भरपूर किया। महापौर जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिनकी प्रेरणा से आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और माननीय महापौर जी का मतलब ये हमेशा सोच रहती है कि पूरे जनपद में और पूरे चाहे वो ग्रामीण अंचल हो चाहे शहरी अंचल हो, उसमें सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ना, एक समेकित विकास की भावना से ओतप्रोत होकर वो इस प्रकार के कार्यक्रम कराते रहते हैं, जिससे कि सभी को, अभी CMO सर ने बहुत एक अच्छी बात कही कि सभी को, हर आदमी को कहीं ना कहीं किसी स्टेज पर एक प्रोत्साहन की, एक हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है। और जब ऐसे हौसला अफजाई होती है पब्लिक प्लेस पर, तो और लोगों के मन में और भी बेटर करने का एक अच्छा, और भी अच्छा करने की एक चाह पैदा होती है। और निश्चित रूप से ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और एक बार पुनः मैं CMO साहब और आपकी पूरी टीम को अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ बधाई देना चाहूँगा। और इसमें कुछ हमारे, जैसे कि मैं एक दो नाम लेना चाहूँगा, मैं ऐसा बताना चाहूँगा कि जो लोग छूट गए, इसका मैं बाई चांस आप समझ में जल्दी जल्दी मामला था, जिसमें कि सबसे अच्छा मेरा दो स्टेनो थे, एक तो यहाँ पर बैठे हुए नागवंशी जी थे कि शायद सबसे ज़्यादा मेरी संचारी रोग नियंत्रण में जिन हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों ने अच्छा काम किया है उनको नगर निगम द्वारा सम्मानित किया गया है। इसी क्रम में जिला अस्पताल के मुखिया, नगर स्वास्थ्य अधिकारी CMO साहब को विशेष रूप से सम्मान किया गया है कि संचारी रोग नियंत्रण में 12 विभागों की टीम बनाकर जो दस्तक अभियान चलाया, नगर निगम ने उनके हर अभियान में अपनी पूरी सहभागिता निभाई। नगर आयुक्त साहब और हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिल करके काम किया है। हमने नगर निगम के कर्मचारियों को और CMO साहब के 6 अधिकारियों को हम लोगों ने आज नगर निगम द्वारा सम्मान पत्र दिया है और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया है। और हमें उम्मीद है कि सम्मान मिलने से उत्साह वर्धन होता है और अच्छा से अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। और इसी उद्देश्य से एक कार्यक्रम नगर आयुक्त द्वारा, हमारे सभी अधिकारियों द्वारा किया गया है। मैं इसी तरह का हम लोग सम्मान, जो अच्छा काम करेगा, ये मुख्यमंत्री जी का शहर है, हम लोग देते रहेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे सर, और अधिकारी और कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अधिकारियों में? हम संदेश देना चाहेंगे कि सभी अधिकारी स्वास्थ्यों के मिलजुल कर एक टीम के रूप में काम करें और आगे हमारे यहाँ संचारी रोग नहीं फैले, इस पर पूरी तरह नियंत्रण लें, फॉगिंग और छिड़काव की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करें। यही मैं अधिकारियों से आग्रह करूँगा, उनसे निवेदन करूँगा और निर्देश भी दूँगा।